और जीआईएस और G20 की बैठकों को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जी यूपी उत्तराखंड से खास बातचीत में कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए मानक बनी है और इसी वजह से बंपर निवेश हुआ है। वहीं G20 की बैठकों के बाद पूरी दुनिया में भारत की छवि और भी बेहतर होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफलतापूर्वक समापन के बाद लखनऊ में G20 का आज आखिरी दिन है। बैक टू बैक दो कार्यक्रमों से उत्तर प्रदेश समेत भारत में किस तरह का लाभ मिलने वाला है, इसकी जानकारी हमें बताने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। मंत्री जी, किस तरह का लाभ मिलने वाला है जो बैक टू बैक कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चेहरा बदला है। जब से योगी जी देश प्रदेश में आए हैं, अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे पूरा उत्तर प्रदेश आज देश में एक मानक बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे रोड, हमारे एयरपोर्ट और जो हमारी बिजली की सप्लाई जो थी उत्तर प्रदेश की दिक्कत, वो सब समाप्त हुआ है और पहले से ही उत्तर प्रदेश चीप लेबर का हब रहा है। इसलिए जो 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का विकास होगा और हमारे नौजवानों को काम मिलेगा। और G20 को लेकर, और G20 का जहाँ तक सवाल है, G20 में एक बहुत सौभाग्यशाली वक्त है ये कि भारत को G20 का अध्यक्षता करने का अवसर मिला है और लगभग 50 शहरों में 200 मीटिंग होंगी और पूरे G20 के सभी डेलीगेट्स को पूरा भारत देखने का अवसर मिलेगा और दिखाने का भी अवसर मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं जो पूरे दुनिया में भारत की एक छवि थी, उसमें जरूर परिवर्तन आएगा। कानपुर देहात में जो घटना हुई है, उससे अखिलेश और राहुल सरकार को घेरने का काम कर रहा है, क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और निश्चित तौर से सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी अधिकारी उसमें दोषी थे, उस पर FIR भी आया, लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये थे भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, जिनका कहना है कि कानपुर में जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज।